बीजापुर जिला के बिजावर में जहां एक ओर प्रदेश भर स्थानीय निकायों के निर्वाचन का बिगुल फूंका जा चुका है और निर्वाचन आचार संहिता लागू है, लेकिन बिजावर तहसील परिसर में 3 जून को भारी संख्या में बड़ा लाव लश्कर लेकर तहसील परिसर में धारा 144 का उल्लंघन करते देखे गए। यह पूर्व जनप्रतिनिधि बिजावर जनपद पंचायत के सदस्य पद पर धर्मपुरा वार्ड के पूर्व सरपंच रवि बरसैया अपनी पत्नी सहित अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे और रिटर्निंग ऑफिसर के पास केवल 4 से अधिक व्यक्तियों का होना भी आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन अति उत्साह में नेता यह भूल गए कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के भीड़ को इकट्ठा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। मगर सवाल यह उठता है कि छुटबैये नेता को तहसील परिसर में बैठे अधिकारियों ने इतनी भीड़ इकट्ठा करने पर कार्यवाही क्यों नहीं की? आखिर किसके दबाव में अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जबकि इस प्रत्याशी के द्वारा एकत्रित भीड़ के साक्ष्य तहसील परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे से की जा सकती है। इस आचार संहिता उल्लंघन के बाद तो ऐसा लग रहा है मानो स्थानीय चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। अधिकारी मूक दर्शक बने रहेंगे और कुछ छुटभैये नेता आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते रहेंगे। इस मामले में एसडीएम महोदय को चाहिए कि इस प्रत्याशी की अभ्यर्थिता को ही निरस्त कर दिया जाए। ये आपके द्वारा ये मामला मुझे संज्ञान में लाया गया, आपके द्वारा कुछ वीडियो मुझे दिखाया गया है, उनकी मैं जांच करता हूँ और जो विधि समय के संबंध में कार्रवाई होगी वो की जाएगी।